नमस्कार यात्रियों, इंडियन रेलवे अलग अलग रूट पर स्पेशल ट्रेन चला रहा है, खासकर दिल्ली मुंबई यूपी बिहार ऐसे एरिया जहां यात्रियों की संख्या दीपावली और छठ पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन यात्रियों को यह नहीं पता होता कि स्पेशल ट्रेन कहां चलेगी, कब चलेगी और वह इतनी भीड़ को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे जो भी स्पेशल ट्रेन इन रूट्स पर चल रही है वह कहां से चलेगी और कहां कहां रुकेगी और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, यह सारा शेड्यूल आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हमने इस वीडियो में अलग अलग स्पेशल ट्रेन के लिए पॉइंट्स बना दिए हैं, जिससे आपको जिस भी जगह के लिए स्पेशल ट्रेन देखनी है आप उस पॉइंट पर जा सकते हैं। अब आती है हमारी मुंबई से रक्सोल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन, जिसका नंबर है 05586 LTT मुंबई से रक्सोल के लिए चलेगी। मुंबई से बिहार के रक्सोल के बीच चलने वाली यह ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन से हर रविवार शाम 4 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 7:45 पर रक्सोल पहुंचेगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 05585 रक्सोल से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन हर रविवार को रक्सोल से लोकमान्य तिलक मुंबई के बीच चलने वाली है। ये ट्रेन हर शुक्रवार को शाम 4:55 पर चलकर तीसरे दिन सुबह 7:25 पर मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर पहुंचेगी। अब बता देते हैं कि यह कहां कहां स्टॉप लेगी। यह ट्रेन यात्रा के दौरान कल्याण, नासिक, मनमद, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और बैरगनिया स्टेशन पर रुकेगी। नेक्स्ट ट्रेन है हमारी अहमदाबाद से बरौनी के लिए वीकेंड स्पेशल ट्रेन। यह ट्रेन नंबर 09413 अहमदाबाद से बरौनी वीकेंड स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर से 12 दिसंबर के बीच हर मंगलवार को शाम 4:35 पर किया जाएगा। रेलवे द्वारा जो भी निर्धारित समय है उसके अनुसार यह ट्रेन गुरुवार सुबह 4 बजे बरौनी पहुंचेगी। उसके बाद वापसी में अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 09414 बरौनी रेलवे स्टेशन से। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच हर गुरुवार को सुबह 6 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन अगले दिन रात 11:15 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अब आपको बता देते हैं कि इस ट्रेन के स्टॉप्स कहां कहां रहेंगे। ट्रेन नंबर 09413 को आनंद, वडोदरा, सूरत, उधना, नंदुरबार, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर और हाजीपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इन ट्रेनों में एसी 2 टीयर, एसी 3 टीयर और स्लीपर क्लास और जनरल कोच है। अगली ट्रेन है हमारी उधना से बरौनी के लिए। ट्रेन नंबर 09067 उधना से बरौनी स्पेशल ट्रेन। उधना रेलवे स्टेशन से यह स्पेशल ट्रेन 10 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच हर गुरुवार को सुबह 5:30 चलेगी और अगले दिन रात के 10:15 पर बरौनी पहुंचेगी। वापसी में स्पेशल ट्रेन नंबर 09068 बरौनी से उधना के लिए बरौनी रेलवे स्टेशन से। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 11 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच हर शुक्रवार को रात 11:45 पर किया जाएगा। यह ट्रेन रविवार दोपहर 2:30 पर उधना पहुंचेगी। अब बता देते हैं कि यह स्टॉप कहां कहां लेगी। सूरत, भारूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, माकसी, साजापुर, ब्यावरा, राजगढ़, रुठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, सोनी, भिंड, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इन दोनों ट्रेनों में एसी 2 टीयर, एसी 3 टीयर, स्लीपर क्लास और जनरल कोच सेकंड क्लास है। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09031 बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन। यह स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 के बीच बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से हर गुरुवार को दोपहर 12:15 पर चलेगी। दहानू रोड लखनऊ के रास्ते अगले दिन रात 9 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 09032 गोरखपुर से दहानू रोड के लिए स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से यह स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच हर शनिवार को सुबह 4 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:25 पर दहानू रोड पहुंचेगी। अब बता देते हैं कि यह कहां कहां स्टॉप लेगी। वापी, वलसाड़, उधना, भरूच, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा जंक्शन, मनकापुर, बस्ती जंक्शन और खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन नंबर 09031 बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को बोरोवली और पालघर
रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉप दिया जाएगा। इन दोनों ट्रेनों में एसी थ्री टीयर और स्लीपर क्लास और जनरल कोच है। अगली ट्रेन है जिसका नंबर 09013 उधना से वाराणसी से छपरा के लिए स्पेशल ट्रेन। यह ट्रेन आने वाले 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उधना रेलवे स्टेशन से हर शनिवार को चलेगी। उधना से इस ट्रेन के चलने का समय सुबह 7 बजे तय किया गया है। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर में 1:25 पर वाराणसी पहुंचेगी और शाम के 7:30 बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 09014 छपरा से वाराणसी से उधना, यह स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक छपरा रेलवे स्टेशन से हर शनिवार रात 11:30 पर चलेगी। ट्रेन अगले दिन चल के 3:30 पर वाराणसी पहुंचेगी और फिर अगले दिन सुबह 8:15 पर उधना पहुंचेगी। अब बता देते हैं कि यह कहां कहां स्टॉप लेगी। ट्रेन नंबर 09013 09014 को अपने रूट पर भरूच जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, गोधरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, संत हिरदाराम नगर, बीन सागर, दामोद, कटनी, मुडवारा, सतना, माणिकपुर, प्रयागराज, छिवनी, मिर्जापुर, वाराणसी, ओडिहार जंक्शन, गाजीपुर सिटी और बलिया स्टेशन पर स्टॉप दिया जाएगा। इन दोनों ट्रेन में एसी टू टीयर, एसी थ्री टीयर, स्लीपर क्लास और जनरल कोच है। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09421 साबरमती से सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन। यह स्पेशल ट्रेन साबरमती रेलवे स्टेशन से 5 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच हर शनिवार को चलेगी। साबरमती से यह ट्रेन शाम 6:45 पर चलेगी और अगले दिन शाम के 5:30 पर लखनऊ और फिर दूसरे दिन 8:30 पर सीतामढ़ी पहुंचेगी। नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 09422 सीतामढ़ी से साबरमती, यह वापसी की ट्रेन है। यह स्पेशल ट्रेन जिसका संचालन 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच हर सोमवार को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 6 बजे लखनऊ और फिर करीब 24 घंटे बाद साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के ट्रेन नंबर 09421 09422 के स्टॉप्स के बारे में बात करें तो मेहसाना जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, अबू रोड, पालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, बांदीकुई जंक्शन, भरतपुर, अहमदाबाद जंक्शन, आगरा फोर्ट, टुंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, उन्नावा जंक्शन, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खिलालाबाद, गोरखपुर, शिशवा बाजार, नरकटियागंज और रक्सोल जंक्शन के रेलवे स्टेशनों पर स्टॉप लेगी। अगली ट्रेन आती है 09027 बांद्रा टर्मिनल से मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन। कानपुर बाराबंकी के रास्ते मालदा टाउन को जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर बुधवार को बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से और बांद्रा टर्मिनल से हर दिन सुबह के 11 बजे चलकर अगले दिन के शाम को 3:50 पर बाराबंकी पहुंचेगी। यहां से चलने के बाद यह ट्रेन अगले दिन के 3:35 पर पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन पहुंचेगी। अगली ट्रेन नंबर 09028 मालदा टाउन से बांद्रा टर्मिनल के लिए वापसी ट्रेन। यह स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर शनिवार को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से शाम 4:30 पर अपने सफर की शुरुआत करेगी और रविवार को यह ट्रेन दोपहर 2:55 पर बाराबंकी पहुंचेगी और सोमवार शाम 5:15 पर अपने अंतिम स्टेशन बांद्रा टर्मिनल पर पहुंचेगी। अब बता देते हैं कि ट्रेन नंबर 09027 09028 कहां कहां स्टॉप लेगी। इसके स्टॉप्स है बोरीवली, वापी, सूरत, भरचू जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, गोधरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, कोटा जंक्शन, सवाई, माधोपुर, गंगापुरी सिटी, बयान, आगरा फोर्ट, टुंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, ऐसबाग, बाराबंकी जंक्शन, गोंडा जंक्शन, बस्ती, गोरखपुर जंक्शन, नरकटियागंज, पापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, यू जंक्शन, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, साहिबगंज, भड़वा जंक्शन और न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्टॉप लेगी। इन ट्रेनों में एसी थ्री टीयर, स्लीपर और जनरल कोच है। ऐसे ही वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर IRCTC और इंडियन रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं।